वेरी ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग टू क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट्स. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवा, इट मींस वी हैव कंप्लीटेड सो मेनी थिंग्स. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. इन ह्यूमन फीमेल्स और इन वी कैन से इन प्राइमेट्स लाइक एप मंकी इन एंड इन ह्यूमन बींग्स देर आर सम साइक्लिक चेंजेस विच आर गोइंग ऑन इन द ओवरी ऑफ द फीमेल्स विच आर असेंशियल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ दीज फीमेल्स. दिस साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक्चुअली द ड्यूरेशन ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 to 29 डेज एंड द फेजेज ऑफ साइकिल विच रिपीट्स फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर, दिस ड्यूरेशन इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक बार जो फेजेस स्टार्ट होती है एक मंथ में और दूसरे मंथ में स्टार्ट होने में जो बीच का पूरा ड्यूरेशन होता है, इसको कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड दिस इज ऑफ 28 to 29, इट मीन्स हम अप्रॉक्सीमेटली वन मंथ मान सकते हैं. ओके, बेसिकली इन दिस साइकिल सो मैनी चेंजेस आर गोइंग ऑन इन साइड द ओवरी. ओवरी में हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. इसके अलावा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिसाइड द फर्टिलिटी ऑफ द फीमेल. फीमेल की फर्टिलिटी को, फीमेल की प्यूबर्टी का एक मेन इंडिकेटर है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, इट मीन्स द फीमेल इज नाउ एबल टू प्रोड्यूस द ओवा, इज नाउ एबल टू रिप्रोड्यूस, टू गिव बर्थ अ न्यू बेबी. अब वो बेबी को बर्थ दे सकती है. नाउ बेसिकली देयर इज अ थिक लेयर विच अंडरगो मैनी साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग दिस साइकिल. दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम लाइनिंग. जो यूट्रस की लाइनिंग होती है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इस दौरान उस लाइनिंग को कहते हैं हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग. एक्चुअली द साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द मिड. मैं मिड से बताना चाहूँगी, साइकिल मिड से स्टार्ट होती है. इट मीन्स वेन द ओवा बिकम मेच्योर, जब ओवा ओवरी में मेच्योर हो जाता है तो वो जो ड्यूरेशन होता है वो बिल्कुल मिड होता है साइकिल का. इट मीन्स 13 or 14 डे के आसपास. ड्यूरिंग दिस फेज अगर इस कंडीशन में ओवा को स्पर्म अवेलेबल नहीं है, ओव्यूलेशन हो गया, ओवा रिलीज हो गया, लेकिन उसको अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो ये ओवा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा. जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो भी डेड हो जाएगी और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फिर से स्टार्ट हो जाएगी. ये मेन फेज है. लेकिन हमें जो शुरुआत करनी है, वो क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे आता है कि सारी आपको फेजेस बतानी है, उनका ड्यूरेशन बताना है और उसके साथ साथ आपको कौन कौन से हार्मोन का क्या क्या लेवल है आपको ये बताना है. पहली चीज़, जो स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्यूबर्टी पर, उस स्टार्टिंग को, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बोलते हैं मेनार्क. ओके, सबसे पहले जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ तो जो ओवा बना फीमेल में उसको कोई स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ, इसीलिए उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, उसका ओवा और एंडोमेट्रियम लाइनिंग में प्रेजेंट जो ब्लड वेसल्स है वो सारी की सारी रप्चर हो गई एंड ऑल दे कम आउट फ्रॉम द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग. सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लीडिंग की फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में वेजाइना से रिलीज होता है. एंड दिस इज नोन एज, दिस फेज इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज. उस फेज को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज. एंड द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज इज 3 to 5 days, मैक्सिमम 3 to 5 days. अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है तो ये एक इंडिकेटर है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है. लेकिन कभी कभी ये डिस्टर्बेंसेस तब भी क्रिएट होते हैं, कोई डिप्रेशन की कंडीशन है, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ ड्यूरेशन के लिए बंद हो जाती है. तो इन केसेस में हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या हार्मोनल या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही. लेकिन अब जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें 9 months के लिए, जब तक उसका बेबी डेवलप होता है उसके यूट्रस में, तब तक वो बंद रहती है. जब ये मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो जाती है तब स्टार्ट होती है फॉलिक्यूलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज. इन दिस ड्यूरेशन द इमेच्योर ओवा, इट मींस द फॉलिकल स्टार्ट टू डेवलप. फॉलिकल धीमे धीमे बड़े होना शुरू करती हैं. आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन सी फॉलिकल बनी थी. हमने ओजेनेसिस में पढ़ी थी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड फाइनली ग्राफिन फॉलिकल. ग्राफिन फॉलिकल बन जाती है. आप देख सकते हो उस ड्यूरेशन में FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वर्ड अपने आपको बता रहा है, मतलब किसको स्टिमुलेट कर रही है, किसके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर रही है, फॉलिकल्स के, इमेच्योर ओवा को मेच्योर ओवा में चेंज कर रही है. जब 13th डे पर जब पूरी तरह से सेकेंडरी ओसाइट, सॉरी ओवा मेच्योर हो जाता है तो ओवरी में से ओवा रिलीज हो जाता है. इस जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, द रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी, इट इज नोन एज ओव्यूलेशन. एंड दिस प्रोसेस is under control of the hormone luteinizing hormone LH, luteinizing hormone. When the LH come on peak, this is known as LH surge and it enhances, it regulates the process of rupture of ovary by which the ova is released. This is called ovulation and this phase is known as ovulatory phase. Now you can see after this menstrual phase the endometrium lining again start to develop, फिर से develop होना शुरू हो जाती है. ठीक है, thick हो जाती है. अब ये ova release हो गया.
इतना ओवर रिलीज होने के बाद में जो बाकी बची हुई ग्राफियन फॉलिकल है आपकी, वो किस में चेंज हो जाएगी? एक अनदर स्ट्रक्चर, येलो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी, जिसको कहते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। दिस कॉर्पस ल्यूटियम इंक्रीजेस द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन विच इज नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। इन केस अगर ओवा को स्पर्म अवेलेबल हो गया इस ड्यूरेशन में, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता रहता है, फ्यूजन हो जाएगा, जायगोट बनेगा, वो इम्प्लांट हो जाएगा बॉडी में, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता रहेगा जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर इन केस स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या होगा, स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। किसका लेवल बढ़ेगा, फिर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी फिर से टूटना शुरू कर देगी, और फिर से कौन सी फेज आ जाएगी आपकी, मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि ओवा का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, ब्लड वेसल्स का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो सारी की सारी क्या हो गई, रप्चर हो गई, और ये फिर से ब्लीडिंग की फॉर्म में, इट मीन्स वही आगे रिपीट होगी 29 डेज के बाद, फिर से वही साइकिल चलना शुरू हो गई। तो जिस ड्यूरेशन में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उस फेज को हम क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज, वहीं से आया वर्ड कॉर्पस ल्यूटियम से, ल्यूटियल फेज। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ग्राफियन फॉलिकल का जो रेमनेंट है, बचा हुआ पार्ट है, वो किसमें चेंज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में, जो येलोइश कलर का होता है, और अगर स्पर्म अवेलेबल हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे ही बनी रहेगी, एक्सेस अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन से क्रिएट करेगी, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और इन केस अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू डीजेनरेट, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्रीजेज एंड द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीजेज, विच रप्चर्स द एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड अगेन द मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट्स, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाती है। अब आप देख सकते हो नीचे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, साइड में भी एक्सेस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं सारी एक एक करके आप बताती हूँ। सबसे पहला यूट्राइन इवेंट, से यूट्रस में क्या क्या हो रहा है, कब 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 ब्लीडिंग हो रही है, किस समय एंडोमेट्रियम बढ़ रही है, क्या क्या फेजेज हैं, मेंस्ट्रुअल फेज है, चार फेजेज हैं, मेंस्ट्रुअल फेज है जो कितने दिन तक चलती है, 1 to 5 days, उसके बाद 6 डे से क्या स्टार्ट हो जाती है आपकी फॉलिकुलर फेज जो 11 से 12 दिन तक चलती है, फिर 13-14 डे पर कौन सी फेज आती है, ओविलेटरी फेज, जहां पर क्या होता है एलएच के लेवल के बढ़ने की वजह से क्या रिलीज हो जाता है, ओवा रिलीज हो जाता है। उसके बाद 15 से 20 के दौरान तक क्या चलती है आपकी ल्यूटियल फेज, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, वो बना रहेगा अगर जायगोट बन गया, और नहीं बना रहेगा तो धीमे धीमे डिसअपियर हो जाता है, फिर से कौन सी फेज आ जाती है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज, ये सारी फेजेस हो गई। इसके अलावा सेकंड हमारा है ओवेरियन हार्मोन, ओवरी जो हार्मोन बनाती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब एस्ट्रोजन कब बढ़ रहा है, ओव्यूलेशन के टाइम पर बढ़ रहा है, और एक कब बढ़ रहा है, जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होती है। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल कब बढ़ता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, क्योंकि वो किसके लिए जरूरी है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तीसरी चीज है आपका ओवरी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फॉलिकल पहले डेवलप हो रही है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनती है, रप्चर होती है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनते हैं, ये सारे। एंड लास्ट आर द पिट्यूटरी हार्मोन, दो पिट्यूटरी हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है, किसको डेवलप करना, किसके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना, फॉलिकल्स के, इमेच्योर ओवा को मैच्योर ओवा में चेंज करना। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है कि 13 to 14 डे पर वो बिल्कुल पीक पर आ जाता है, हाई हो जाती है उसकी कंसंट्रेशन, और वो किसको अनाउंस करती है, किस प्रोसेस को कंट्रोल करती है, द रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बेसिकली दिस क्वेश्चन कम इन टू टाइप्स, दो तरीके से आ सकता है, कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू रिप्रेजेंट ऑल द फेजेस एंड द लेवल ऑफ हार्मोन्स, और दूसरा ये भी आ सकता है कि राइट ऑल द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ड्यूरेशन, इट मीन्स कितने से कितने दिन तक चलती है, एंड वॉट आर द लेवल ऑफ हार्मोन्स इन दीज फेजेस, और क्या क्या लेवल है हार्मोन का। तो 3 marks में भी आ सकता है, 5 marks में भी आ सकता है। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीधी सीधी बात यह है कि वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में आपको ये मिल जाएगा। ओके, इट मीन्स नाउ वी हैव कंप्लीटेड 1 more topic, नाउ नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्टिलाइजेशन एंड द इम्प्लांटेशन। टिल देन गुड बाय, हैव अ ब्यूटिफुल डे।